बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल आपको मैंने नाइन्थ का पैराग्राफ नंबर 8 और 9 थोड़ा सा करवाया था। 9 का बताया, इस साल में स्टार्ट करूंगा। आप लोग अपनी बुक्स और पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें ताकि आप माइनी साथ साथ लिखते रहें। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ पेज नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 9 पैराग्राफ का बकिया हिस्सा है। यहां तक मैंने कल पढ़ाया था विच हर्ड अ ग्रेट हिस्टोरियन, याद है कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो अब मैं यहां से आगे शुरू करने लगा हूं, आप प्रिपेयर कर लें अपने आप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बात ये याद रखनी है कि जब भी आप सल्लम का नाम आए तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बोलना है, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ एवर काहम वाज रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। हाउ एवर काहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ एवर काहम वाज रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार थे फॉर बोथ, दोनों के लिए, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मजहबी अकायद, थियोलॉजी मजहबी अकायद, थियोलॉजी मजहबी अकायद ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मजहबी अकायद एंड इट्स मेन एथिकल, और इसके मरकजी इखलाक, मेन एथिकल मरकजी इखलाक एंड मॉरल प्रिंसिपल और अखराकी असूल, प्रिंसिपल्स हैं असूलों आएगा। रिपीट कर रहा हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ एवर वाज रिस्पॉन्सिबल, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार थे फॉर बोथ, दोनों के लिए, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के लिए जिम्मेदार थे, इन दोनों के लिए, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मजहबी अकायद एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, इसके मरकजी अखलाक और अखलाकी असूलों के लिए, इसके मरकजी अखलाक और अखलाकी असूलों के लिए, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मरकजी अकायद, इसके मरकजी अखलाक और अखलाकी असूल दोनों के लिए जिम्मेदार थे। दोबारा रिपीट कर रहा दूसरे लफ्जों में, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी अकायद और इसके मरकजी अखलाक और अखलाकी असूलों के असूलों दोनों के लिए जिम्मेदार थे। इन एडिशन मजीद बरा ही प्लेड, आपने अदा किया अ की रोल, एक कलीदी किरदार, मरकजी किरदार, की रोल मरकजी किरदार या कलीदी किरदार या अहम किरदार अदा किया। इन एडिशन मजीद बरा ही प्लेड अ की रोल, आपने मरकजी किरदार अदा किया इन प्रोसेलाइटाइजिंग, तबलीग करने के लिए, प्रोसेलाइटाइजिंग प्रीच के सेंस में आता है तबलीग करना। इन एडिशन मजीद बरा ही प्लेड अ की रोल, आपने मरकजी किरदार अदा किया इन प्रोसेलाइटाइजिंग द न्यू फेथ, नए अकीदे की तबलीग करने में, न्यू फेथ नया अकीदा, मजीद बरा नए अकीदे की तबलीग करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरकजी किरदार अदा किया। एंड इन एस्टैब्लिशिंग और कायम करने में द रिलीजियस प्रैक्टिस मजहबी अकायद, एस्टैब्लिश कमेटी कायम करना, रिलीजियस प्रैक्टिस मजहबी अकायद। तो ये पूरी लाइन में रिपीट कर रहा हूं, इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसेलाइटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन एस्टैब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिस, मजीद बरा नए अकीदे की तबलीग करने और मजहबी अमल को कायम करने में मरकजी किरदार अदा किया। इन एडिशन मजीद बरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए अकीदे की तबलीग करने और मजहबी अकायद को कायम करने में मरकजी किरदार अदा किया। जी ये पैराग्राफ मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनने फिर हम आगे चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पांसिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी अकायद और इसके मरकजी अखलाक और अखलाकी असूलों दोनों के लिए जिम्मेदार थे। इन एडिशन मजीद बरा ही प्लेड अ की रोल इन प्रोसेलाइटाइजिंग द न्यू फेथ
एंड एस्टैब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिस, मजीद बरा नए अकीदे की तबलीग करने और मजहबी अकाद को कायम करने या मजहबी अमल को कायम करने के लिए मरकजी किरदार अदा किया। इनफैक्ट हकीकत में, नेक्स्ट लाइन है, इनफैक्ट हकीकत में एज द ड्राइविंग फोर्स मुतहरिक कुव्वत के तौर पर, एज द ड्राइविंग फोर्स मुतहरिक कुव्वत के तौर पर, ड्राइविंग फोर्स मुतहरिक कुव्वत, इनफैक्ट हकीकत में एज द ड्राइविंग फोर्स मुतहरिक कुव्वत के तौर पर, बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतुहात के पीछे, बिहाइंड पीछे, अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतुहात के पीछे मुतहरिक कुव्वत के तौर पर, ही मे वेल रैंक, आपने अजीमुशान दर्जा हासिल किया। मे वेल रैंक होता है अजीमुशान दर्जा, रैंक दर्जा, वेल अजीमुशान, ही मे वेल रैंक, आपने अजीमुशान दर्जा हासिल कर सकते, आपने किया। एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, एज बतौर मोस्ट सबसे ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बासर पॉलिटिकल लीडर, सियासी रहनुमा, पॉलिटिकल लीडर, सियासी रहनुमा ऑफ ऑल टाइम तमाम। जी स्टूडेंट, इनफैक्ट हकीकत में एज द ड्राइविंग फोर्स मुतहरिक कुव्वत के तौर पर, बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतुहात के पीछे मुतहरिक कुव्वत के तौर पर, ही मे वेल रैंक, आपने अजीमुशान दर्जा हासिल किया। एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज्यादा बासर पॉलिटिकल लीडर, सियासी रहनुमा के तौर पर, ऑफ ऑल टाइम्स, हर जमाने में। तो मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूं, हकीकत में अरब की फतुहात के पीछे मुतहरिक कुव्वत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीमुशान दर्जा हासिल किया। एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, हर जमाने में सबसे ज्यादा बाअसर सियासी रहनुमा के तौर पर, हर जमाने में सबसे ज्यादा बाअसर सियासी रहनुमा के तौर पर, हर जमाने में सबसे ज्यादा बाअसर सियासी रहनुमा के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीमुशान दर्जा हासिल किया। जी नेक्स्ट, द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतुहात और सेवन सेंचुरी, सातवीं सदी की अरब की फतुहात, द अरब, अरब अरब है, अरब कॉन्क्वेस्ट, फतुहात, सेवन सेंचुरी, सातवीं सदी की अरब की फतुहात, हैव कंटिन्यूड, जारी रखा, सातवीं सदी की अरब की फतुहात ने जारी रखा, सातवीं सदी की अरब की फतुहात ने जारी रखा, क्या जारी रखा, टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करना, टू प्ले अदा करना, इंपॉर्टेंट रोल, अहम किरदार, सातवीं सदी की अरब की फतुहात ने अहम किरदार अदा करना जारी रखा, सातवीं सदी की अरब की फतुहात ने अहम किरदार अदा करना जारी रखा। इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज के दिन तक, डाउन टू द प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे आज के दिन, डाउन टू द प्रेजेंट डे आज के दिन तक, इंसानी तारीख में अपना अहम किरदार अदा करना जारी रखा आज के दिन तक। तो ये पैराग्राफ 9 यहां पे मुकम्मल हो जाता है, 9वां पैराग्राफ। अब बेटे आपका लास्ट पैराग्राफ रह गया हुआ है, 10वां पैराग्राफ। कल इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। मैं आज मैंने काम पढ़ाया था कि कल और आज का काम जो है वो आप कंप्लीट कर लें। ये जितना मैंने पढ़ाया मैं रिपीट कर रहा हूं और कल मैं ये चैप्टर पहले वाला खत्म कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जी सुनने द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रिस्पांसिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल। ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के मजहबी अकायद, इसके मरकजी अखलाक और अखलाकी असूल दोनों के लिए जिम्मेदार थे। इन एडिशन मजीद बरा ही प्लेड अ की रोल इन प्रोलाइटाइजिंग द न्यू फेथ, मजीद बरा आपने नए अकीदे की तबलीग करने में मरकजी किरदार अदा किया। एंड एस्टैब्लिश द रिलीजियस प्रैक्टिस, और मजहबी अमल को कायम करने में, मजीद बरा आपने नए अकीदे की तबलीग करने में और मजहबी अमल को कायम करने में मरकजी किरदार अदा किया। इनफैक्ट हकीकत में एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब के फतुहात के पीछे मुतहरिक कुव्वत के तौर पर, ही मे वेल रैंक, आपने अजीमुशान दर्जा हासिल किया।
एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, हर जमाने में सबसे ज्यादा बहादुर सियासी रहनुमा के तौर पर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th सेंचुरी हैज कंटिन्यूड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री। 7वीं सदी की अरब की फतुहात ने इंसानी तारीख में अपना अहम किरदार अदा करना जारी रखा डाउन टू द प्रेजेंट डे, आज के दिन तक। याद रखें बेटे अपने मायने, स्पेलिंग और तर्जुमा याद कर लेना इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा और उसके बाद फिर हम इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। मैं एक टाइम आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।